यूपी के बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा बूथ अध्यक्ष गिड़गिड़ाने लगा और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। बूथ अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव के समय अपर्णा यादव के कार्यक्रम का विरोध करने वालों के खिलाफ बोलने पर दबंग उसे धमका रहे हैं और लगातार उसके परिवार को भी धमकी दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष को आश्वासन दिया, साथ ही पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए। के बाद हम लोग पानी लगा हुआ चले गए, हमारी लड़की पानी लेके गए उधर से, फिर आके ये गली में वही लड़का जो सोनू मारिश रहा हुआ उसके बाद लड़की कपड़ी उठा ले गए मार बेटू के बेचते कर थाने आने गए थे। थाने गए थे तो थाने रिपोर्ट लिखी गई दो सजा दिन फिर क्या हुआ, फिर अब कार्रवाई हो रही, पुलिस वाले आवत है लेकिन कोई कार्रवाई अभी हमने लोगों के जो घर पर जो पड़ोस उनके वाले वो गाली बकत है। आज यहाँ सीएम साहब से मिले थे जी, हाँ तो बताए ना सर कि जो है तुम्हारा काम करेंगे करवाएंगे।